हाय एवरीवन, एक नए ब्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद मौसम थोड़ा खुला है, तो तब जाके मैं जब भी फील्ड के काम से इधर उधर जाता हूँ तभी मैं ब्लॉग बना पाता हूँ। तो इस समय मैं आपको पूरे शहर का नज़ारा दिखा रहा हूँ। मौसम यहाँ पर काफ़ी सुहावना होता, अन्य देश के अन्य भागों की तरह उमस भरी गर्मी नहीं पड़ती है। दोस्तों, मैं यहाँ पर पहाड़ की चोटी पर हूँ। यहाँ से पूरे शहर का व्यू इस तरह से दिखाई देता है। कोहरे की चादर में लपेटे हुए पूरे माउंटेन्स इस तरह से दिखाई देते हैं। साथ में पृष्ठभूमि में विभिन्न प्रकार के पक्षियों के कलरव भी सुनाई देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहाड़ों पर पहले इस तरह से ढलानदार छतें हुआ करती थी, जिससे पानी का निकासी हो जाती थी। कई मकानों में अब भी ये पुराने पैटर्न की छतें लगी हुई हैं, जो कि पर्यावरण के काफ़ी अनुकूल होती है, क्योंकि इससे पानी आसानी से निकल जाता है। बाकी सीमेंट कंक्रीट वाले घरों में क्या होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है और जिससे एक ही जगह पर पूरा पानी फोर्स के साथ पड़ता है, तो उससे मिट्टी पूरी बैठ जाती है, क्योंकि पहाड़ की मिट्टी मैदान की मिट्टी की तरह मजबूत नहीं होती है। बरसातों में यहाँ पर काफ़ी भूस्खलन वगैरह भी होता है। वो इसीलिए होता है कि क्योंकि जगह पर और सुनियोजित तरीके से भवन निर्माण व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं। ये इस समय जो है लगभग बारिश होने वाली है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। दूर दूर तक आसमान में जहाँ पर भी मेरी दृष्टि जाती है, बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ का मुख्य औद्योगिक एरिया है, सिल्क प्रोडक्शन सेंटर। एज आई एम शोइंग टू यू, दिस इज अंडरटेकिंग इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित। ये एक रिसर्च सेंटर है, जहाँ पर आप देख पा रहे पेड़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। इतना एरिया यहाँ पर जो है, शहतूत के पेड़ में रेशम के कीड़े पलते हैं और उन कीड़ों के जो कोकीन होता है उससे रेशम तैयार किया जाता है। और इस ये जो बिल्डिंगें आप देख रहे हैं, इनमें कीड़ों के अंडे बच्चे वगैरह कृत्रिम तरीके से विकसित किए जाते हैं। ये मौसम यहाँ का काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होती है और जो स्थानीय लोग हैं वहीं रह जाते हैं, बाकी घूमने फिरने वाले इस सीज़न में चले जाते हैं। ऐसा जैसा कि मैं आपको दिखा, काफ़ी अच्छी तरीके से इसको मेंटेन किया गया है। बीच में चलने के लिए प्रॉपर रास्ता बनाया गया और जो भी पेड़ है उसकी वैरायटी से संबंधित नोटिस बोर्ड पे इसको मेंशन किया गया है। इन बिल्डिंगों के अंदर रेशम के कीड़ों का कृत्रिम तरीके से भी उत्पादन किया जाता है, क्योंकि प्राकृतिक तरीके से आवश्यकता को पूरा करना पॉसिबल नहीं हो पाता। ये ना सिर्फ आपका प्रोडक्शन यूनिट है, बल्कि एक रिसर्च सेंटर भी है। यहाँ एक साइंटिस्ट भी बैठते हैं कि इसमें कम लागत में अधिक से अधिक रेशम का उत्पादन किस तरह से होता है और कौन से रेशम का कीड़ा इस काम को अच्छी तरह से करता है, उससे संबंधित भी जानकारी यहाँ प्रदान की जाती है। क्योंकि ये बरसात का मौसम है, तो इस मौसम में थोड़ा इनका ऑक्सीजन होता है, तो बिल्डिंगों के अंदर ही काम होता है। बाकी मौसम में बाहर भी इसमें पूरा काम होता है, रेशम उत्पादन से संबंधित सारी जानकारी प्रदान की जाती है। इस तरह से जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये काफ़ी लंबा चौड़ा कैंपस है, काफ़ी अच्छी तरीके से इन लोगों ने इसको मेंटेन किया गया। दूब घास है और बीच में चलने के लिए जगह बनाई गई है। काफ़ी दूर दूर तक पहाड़ दिखाई दे रहे, साथ में चिड़ियों के चहचहाने की, कोयल के बोलने की आवाज़ भी सुनाई देती हैं। यह मेन मल्लीताल के औद्योगिक एरिया के अंदर आता है, जिसको मिनी इंडस्ट्रियल एरिया अथवा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर भी कहा जाता है। ये हम इसके, मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ इसके एक एक चीज़ को। इस तरह से मैं आपके एग्जिट से बाहर चला जाता हूँ। अब यहाँ पर ये इसका पूरा व्यू है। जब आप यहाँ से मेन हाईवे पे आते से होकर आते हैं, खुटानी से नीचे उतरते हुए, ये यहाँ की मुख्य टंकी है, जहाँ से पूरे शहर को पानी की सप्लाई होती है। कंजेस्टेड यहाँ पर वाहन आते ही रहते हैं, इसलिए थोड़ा सावधानी पूर्वक। अब मैं मोबाइल के बैक कैमरे से आपको प्रॉपर व्यू दिखा रहा हूँ कि मैं इस समय कहाँ पर हूँ।
मैं इस शहर में सरकारी क्षेत्र तीन उपक्रम है, एक IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का फिशरीज है जो मछली उत्पादन से संबंधित जानकारी देता है, दूसरा जो मैंने आपको दिखाया रेशम कीट के संबंधित जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जिसको संभालता है, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। कुल मिलाकर सरकारी क्षेत्र में पाँच छः डिपार्टमेंट इस शहर के अंतर्गत अभी आते हैं। आज से प्रशासनिक भवन लगभग पहुँचने ही वाला हूँ। ये यहाँ का मुख्य इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक एरिया, जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ का ये इंडस्ट्रियल एरिया है। मैं यहाँ पर पहुँच गया, ये हमारा शिक्षा भवन का कार्यालय है। ये जस्ट मुझे यहाँ से अंदर जाना पड़ेगा, ये मैं मुख्य गेट पे आ गया हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आज से 20 अथवा 25 साल पहले ये पूरा लैंड यूपी में आता था, आज भी इसका अधिकांश हिस्सा यूपी लैंड में आता है। ये उत्तर प्रदेश औद्योगिक इकाई में था, तब यहाँ पर काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ थी, सबका नाम लेना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है इस एरिया में 8 या 9 छोटी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी जिससे काफ़ी लोगों को भारी मात्रा में रोजगार मिला हुआ था और मार्केट सेक्टर भी तब काफ़ी डेवलप था। लेकिन वर्तमान समय में यहाँ पर काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ कम हो गई हैं और ज़्यादातर जितनी भी इकाई है वो सारी सरकारी क्षेत्र के दफ्तर हैं, तो इनसे रोजगार के साधनों में काफ़ी सारी कमी आई है पहले की अपेक्षा। इस समय जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं मेन हाईवे पे आ गया हूँ, इस तरह की लोकेशन को मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ में ऑलरेडी दिखाता आया हूँ, तो इसलिए मैंने वो क्लिप आपको जो पहले दिखाई थी इंडस्ट्रियल एरिया वाली वो इसके बाद आती है, वो मैंने शुरू में इसलिए डाल दी थी कि एक साथ लगातार दो वीडियोज एक जैसे होना ठीक नहीं होता है। तो ये सड़क एकदम बरसातों में धुल जाती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, जैसा कि आप दिखा रहे हैं यहाँ पर एकदम से पानी से सड़कें धुल के एकदम साफ हो जाती हैं और चमक जाती हैं। इस समय यातायात भी अपेक्षाकृत कम हो जाता है, जिसको ज़रूरी काम से आना जाना है वही आता जाता है, क्योंकि पहाड़ों पर बारिश काफ़ी तेज़ होती है, साथ में नुकसान की भी संभावना होती है, इसलिए जिसका ज़रूरी काम है वही आता है। यहाँ पर ये जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये मैं आटा फैक्ट्री के पास में आ गया हूँ, ये नई बनी है, पहले भी ये नहीं थी, यह लगभग लेक्स इंटरनेशनल स्कूल के पास में ही आटा फैक्ट्री है, फ्लोर मिल जिसको कहा जाता है। तो इस तरह से इसका पूरा लोकेशन है, ये आसपास के गुलमोहर का पेड़ कहा जाता है, पहले हमारे घर में भी काफ़ी थे लेकिन अब टूट गए, इसकी जो टहनियाँ जो है काफ़ी चिकनी होती है, जैसे अमरूद की टहनियाँ होती हैं, ये इसके बाहर से भी हुए, जो मैंने आपको रेशम कीट पालन की इकाई शुरू में दिखाई थी ये शायद क्लिप आगे पीछे हो गई थी। ये इसका मेन इंडस्ट्रियल एरिया गवर्नमेंट मिनी इंडस्ट्रियल इस्टेट भीमताल नैनीताल के अंतर्गत मैं यहाँ पे आता हूँ। ये तो इसी के साथ आज का ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त हो। इफ़ यू आर विद मी द फर्स्ट टाइम प्लीज़ सब्सक्राइब टू मी, वॉच एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। You may press bell icon for instant notification about my upcoming video. Thanks for staying.